मित्रों अगर आपने मेरी उपसर्ग की क्लास देखी है तो ये प्रत्यय बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत इजी, बहुत बेसिक, बहुत शॉर्ट में समझा देंगे। देखिए कोई भी शब्द है ना, कोई वर्ड है, उसके बाद अगर कुछ जोड़ दिया जाए जिसका अपना तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इस अर्थ को बदल देगा और नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण कर देगा। क्या कर देगा? नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण कर देगा, उसे क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। प्रत्यय कहेंगे, प्रत्यय मतलब साथ में चलने वाला, साथ में चलने वाला मतलब शब्द के साथ साथ चलता है, लेकिन इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। जैसे दया, एक शब्द लिया मैंने, दया का तो है अर्थ, मूल शब्द है। अब इसके बाद कोई वर्ड जोड़ दूं, दयालु। अब इस दयालु में लू का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन दया धन लू क्या बन जाएगा? दयालु इस शब्द का अपने आप में अर्थ है। ये क्या विशेषण है? सोहन बहुत दयालु है, मेरी माँ बहुत दयालु है, तो दयालु का अर्थ हो गया, तुम्हें दया करनी चाहिए। ये शब्द दूसरा हो गया, दयालु शब्द दूसरा हो गया। देखिए लू लगाने से एक नए शब्द का निर्माण हुआ, लेकिन इस लू शब्द का कोई अर्थ नहीं है। और देखिए दया के साथ क्या लगा दीजिए? नी, तो क्या हो जाएगा? दयनी। दयनी, दयनी मतलब जिसका हालत बेकार है, वो बहुत दयनीय है। दयनीय मतलब वो हेल्प चाहिए उसको, दयनीय स्थिति में है, बहुत ही परेशानी में है। तो दया धनी दयनी। देखिए ये बाद में लगे हैं, नी कभी अपने आप में कोई अर्थ नहीं, लेकिन दया के साथ नी लिख के दयनी बन गया। लेकिन ये गलती मत कीजिएगा आप, दया के साथ निर लगा के, निर लगा दिया तो क्या हो गया? निर्दय। ये संधि नहीं हो रही, संधि के नियम अलग है, ये केवल वर्ड जुड़ जाते हैं कुछ मॉडिफिकेशन से। उपसर्ग और प्रत्यय जब जुड़ते हैं शब्द से तो संधि के नियम लागू नहीं होते। तो निर्दय, निर और दया, तो क्या हो गया? निर्दय। वो व्यक्ति बहुत निर्दय है या निर्दयी है? निर्दय बोलते हैं या निर्दयी बोलते हैं? तो ये निर क्या? दया के पहले लगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? उपसर्ग। उपसर्ग क्लास में इसको डिटेल में समझाया हूं। चलिए ये क्लास प्रत्यय की है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया प्रत्यय क्या? शब्द के बाद जुड़ता है, शब्द के बाद जुड़ता है, लेकिन उसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जिस शब्द के साथ जुड़ता है उसको नवीन अर्थ देता है, नवीन अर्थ मतलब नया अर्थ दे देता है। तो ये होता है प्रत्यय। प्रत्यय के टाइप देख लीजिए, कृत और तद्धति। क्वेश्चन आ सकता है प्रत्यय के टाइप, दो टाइप होते हैं, कृत और तद्धति। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो धातु या क्रिया से लगते हैं, जैसे पठ संस्कृत का है, पठ लिख संस्कृत। अगर आप धातु पढ़े होंगे तो आपको ये याद होगा कि कुछ धातु होते थे जिसके आप रूप पढ़ते थे, जैसे पठति पठता पठंति, पठस पठता पठति, पठाम पठावा पठामा, इस तरह के रूप होते थे। तो पठ लिख ये जो धातु हैं या क्रिया हैं, एक्शन वर्ड हैं, उनके साथ अगर कोई प्रत्यय लगता है तो क्या होगा? कृत प्रत्यय। जैसे पठ के साथ लग गया अक, तो क्या हो जाएगा? पाठक, पाठक हो जाएगा। लिख के साथ अक, तो क्या हो जाएगा? लेखक हो जाएगा। लेखक, क्या हो जाएगा? लेखक। आप कहेंगे सर ये पठ के साथ अक तो पाठक होना चाहिए, लिख के साथ अक लेखक नहीं। मैंने कहा संधि के पूरे नियम इसमें लागू नहीं होते, थोड़े मॉडिफाई होके जुड़ते हैं। तो पठ धनक पाठक नहीं, पाठक होगा, लिख धनक लेखक। तो ये अक क्या है? अक, अक जो है प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय भैया? ये कृत प्रत्यय। क्यों कृत प्रत्यय है? क्योंकि पठ और लिख जो धातु है, क्रिया है, उनसे जुड़ रहा। क्रिया मतलब एक्शन, कृत मतलब कुछ करना। प्रकृति में भी कृति होती है, प्रकृति आपने देखा होगा, प्राकृति। कृति मतलब होता है रचना, अपरा मतलब विशेष, विशेष रचना को प्रकृति बोलते हैं। संसार को क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है? विशेष रचना है। तो ऐसा आप कृति को समझ सकते हैं। तो जब भी रचना विशेष रचना होती है, कब होगी विशेष रचना? जब क्रिया शब्द से कोई प्रत्यय जुड़ेगा, उसको बोलते हैं कृत प्रत्यय। और ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? पाठक लेखक। ये क्या कहलाएंगे? ये कृदंत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये शब्द दोनों ये कहलाएंगे कृदंत। क्यों कहलाएंगे कृदंत? क्या मनमर्जी है? मनमर्जी नहीं है। देखिए इनके अंत में क्या लगा है? पाठ और लिख के अंत में कृत प्रत्यय, मतलब अंत में क्या लिखा है? कृत। कहां लिखा? अंत में। तो कृत और अंत जुड़ के क्या हो गया? कृदंत। इस शब्द के अंत में क्या है? कृत प्रत्यय, इसलिए ये कृदंत कहलाते हैं। मित्रों क्या कहलाते हैं? कृदंत। सब नोट करते जाइएगा, मैं आपको समझा रहा हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज के बाद आपको प्रत्यय में डाउट नहीं होगा। देखिए तो कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण देख लीजिए। लेखक पढ़ना बंधन लेखन गमन डूबता होया, बहुत सारा लिस्ट आपको बुक में मिल जाएगा, या मैं कहेंगे तो दे भी दूंगा। अभी केवल समझने के लिए 4-5 एग्जांपल लिया हूं। तो लेखक बताया लिख देना, ये पढ़ना पठ धन्ना बंध धन अन,
ये लिख धन अन, गम धन अन, गमन जाने को बोलते हैं, है ना, डूबता, डूब धन ता, डूब धन ता, खोया, खो धन या। तो ये सब क्या है, ये सब है आपके कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय है। अब चलिए आगे, चलिए आगे, चलिए मित्रों आगे चलिए, आगे चलिए तद्धत में। तद्धत क्या होता है, क्रिया या धातु के अलावा जितने भी शब्द हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो भी शब्द हैं, उनके बाद अगर कोई प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बोला जाता है उसको, तद्धत प्रत्यय। कैसे कैसे, देखिए चाय। अब चाय क्या है, चाय तो कोई संज्ञा है, चाय किसी पेय पदार्थ का नाम है, संज्ञा है। अब इसके साथ जुड़ गया वाला, वाला का अपने में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन चाय के साथ वाला जुड़ गया तो क्या हो गया, चाय वाला हो गया। इसी तरह पान वाला हो गया, रेड़ी वाला हो गया, जितने भी वाला हैं, पूना वाला हो गया, ये सब जितने भी वाले हैं, ये क्या, ये एक नया शब्द बनाता है, चाय प्लस वाला, चाय वाला। ये किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही, और ये चाय पेय पदार्थ है, तो नए शब्द का निर्माण हुआ, चाय धन वाला, चाय वाला। लेकिन ये जो नए शब्द का निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, चाय के बाद लगा। चाय क्या कोई वर्ब है, क्या कोई एक्शन है, नहीं, एक्शन नहीं है ना, जब एक्शन नहीं है, वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, तो ये प्रत्यय वाला क्या कहलाएगा, तद्धति प्रत्यय। और ये जो शब्द बना है वो शब्द के चाय वाला में अंतिम में क्या लिखा है, चाय वाला के अंतिम में वाला, वाला क्या है, तद्धति प्रत्यय, इसलिए तद्धति के अंत में लगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तद्धितांत बोलते हैं। तद्धितांत क्या बोलते हैं, तद्धितांत बोलते हैं। इसी तरह कुछ और उदाहरण देख लीजिए आप, ऊंचाई, ऊंचा धनी, पहला, पैधन ला, मीठा, मीठ धन, जो मीठ धन आ करेंगे तो क्या होगा, मीठा। ऐसे गुण धन वान करेंगे तो क्या होगा, गुणवान। तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं तद्धति प्रत्यय। तो प्रत्यय में हमने क्या पढ़ा, प्रत्यय में हमने पढ़ा कि दो टाइप होते हैं, कृत और तद्धति। क्या होते हैं, कृत और तद्धति। कृत क्या होता है, जो क्रिया से जुड़ता है वो कृत होता है, क्रिया के अलावा जितने भी प्रत्यय हैं वो क्या होते हैं, तद्धति। क्रिया के अलावा जिससे भी जुड़ते हैं वो क्या होता है, तद्धति। कृत और तद्धति उसके कुछ एग्जाम्पल है, मैंने बताया। दूसरी बात कि प्रत्यय का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, जैसे ठकुराइन है, ठकुराइन, शुक्लाइन, मिश्राइन, ये कैसे आया, ठाकुर धन आइन, ठाकुर का अपने आप में अर्थ है, लेकिन आइन का कोई अर्थ नहीं है, धोबी से धोबीन हो गया, है ना। इस तरह जितने भी खटखटाहट, खटखट, खटखट का अपने में अर्थ है, खटखट आवाज होना, लेकिन खटखटाहट, खटखटाहट, ये इस आहट का कोई अर्थ अपने आप में नहीं है। कुछ लोग इसका अर्थ बना लेंगे आहट, लेकिन वो खटखटाहट, वो आहट जो होती है ना, वो आहट अलग है, ये आहट अलग है, कुछ शब्दों में सिमिलर मीनिंग मिल जाती है। जैसे मैंने लू बताया था ना आपको, दयालु, तो इस लू का भी कुछ लोग अर्थ बोल देंगे, लू मतलब होता है गर्म हवा चलना, लेकिन वो लू का अर्थ अलग है, यहाँ पे जो लू है उसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। दयालु है, गोलू है, इस तरह भोलू है, ये वाला लू है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो प्रत्यय का अपने आप में यार कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, उपसर्ग की अगर बात करेंगे तो उसका थोड़ा बहुत अपने आप में अर्थ होता है, जैसे प्रति, प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, प्रतिदिन, तो प्रत्येक दिन, इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, तो उपसर्ग में थोड़ा अर्थ रहता है, लेकिन तद्धत, लेकिन पूर्ण अर्थ इसमें भी नहीं रहता, लेकिन उपसर्ग में थोड़ा अर्थ रहता है, लेकिन प्रत्यय में कोई अर्थ नहीं होता, यही मेन डिफरेंस होता है उपसर्ग और प्रत्यय में। मित्रों कैसी क्लास लगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। इसी तरह छोटी और मोटी बातें मैं लेके आता रहूंगा। धन्यवाद।